दोस्तों गौतम गंभीर ने चुनी इंडिया विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्य टीम। जैसा कि आपको पता होगा कि गौतम गंभीर ने कुछ दिन पहले क्रिकेट से अलविदा कर दिया है। आजकल उनको क्रिकेट कमेंटेटर के रूप में देखा जा सकता है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए उन्होंने अपनी 15 सदस्य टीम की घोषणा की। इसी दौरान इस खिलाड़ी ने विश्व कप के लिए अपनी 15 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया है। बता दें भारतीय टीम के जब 2011 का विश्व कप जीता था तब ये खिलाड़ी भारतीय टीम का हिस्सा था। इस खिलाड़ी ने फाइनल मैच में शानदार बल्लेबाजी की और 97 रन की मैच जिताओ पारी खेली थी। ये खिलाड़ी 2007 के T20 विश्व कप में भी भारतीय टीम का हिस्सा था। गौतम गंभीर ने जो 15 सदस्य टीम की घोषणा की है वो कुछ इस प्रकार से। सलामी बल्लेबाजी के रूप में इन्होंने रोहित शर्मा और शिखर धवन को ही चुना है। इन्होंने इसके अलावा खराब फॉर्म में चल रहे KL राहुल को भी अपनी टीम में जगह दी है। वहीं केदार जाधव और अंबाती रायडू को भी इन्होंने अपनी टीम में जगह दी है। फिनिशर की बात की जाए तो उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी और दिनेश कार्तिक का नाम बताया है। इनका सबसे चौंकाने वाला फैसला आर अश्विन को टीम में लाना है। उन्होंने रविंद्र जडेजा को की जगह इस खिलाड़ी को मौका दिया है। तेज गेंदबाजी की बात करते हुए इन्होंने मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार पर अपना दाव खेला। वहीं स्पिन गेंदबाजी की बात करें तो उन्होंने यूजी चहल और कुलदीप यादव पर भरोसा दिखाया और ऑलराउंडर के रूप में इन्होंने भारतीय टीम से बाहर चल रहे हार्दिक पांड्या को मौका दिया। दोस्तों गौतम गंभीर ने पिछले साल अपने आखिरी मैच रणजी ट्रॉफी में खेला था। उन्होंने संन्यास लेते समय एक बहुत ही बड़ा इमोशनल वाला वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था जो कि बहुत ही वायरल हुआ था। तो ऐसे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि क्या गौतम गंभीर की ये टीम सही है और क्या वर्ल्ड कप जीत सकती है नहीं, या फिर आपके हिसाब से कौन सी टीम होनी चाहिए जो कि वर्ल्ड कप के लिए खेले। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी अनेक और भी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।